पूर्व और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बहुत ही जुझारू और लोकप्रिय नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे नवनिर्वाचित सांसद बहुत ही लोकप्रिय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी और हमारे हुड्डा साहब के साथ आए बहुत ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी आनंद सिंह डांगे जी और परमेंद्र ढुल जी, पूर्व विधायक सूरजमान जी काजल और हमारे स्टेज पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस हाल में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमने हरियाणा के अंदर पूरे भारतवर्ष में इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट लेते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी के नेतृत्व में हमने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। और इसी कड़ी में आपके बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और हरियाणा कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको धन्यवाद करने आपके बीच में आया है, आपको बधाई देने आया है। साथियों, आगे विधानसभा का चुनाव भी बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर हमारे बीच में होने वाला है, तो इसलिए सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, बैरकों में वापिस बैरकों में लौटने की बजाय हमारे चुनाव में जो छोटी मोटी हमारी कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करते हुए हमने विधानसभा चुनाव में इसी प्रकार के फतह करनी है। जिस प्रकार से आप लोगों ने इसको भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में हाफ किया है, हमने विधानसभा चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से साफ करने का काम करना है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी ने, कांग्रेस हाईकमान ने जिस प्रकार से उम्मीदवारों का इतना अच्छा चयन आपके बीच में ला कर दिया था, इसी प्रकार से विधानसभा के चुनाव में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी ऐसे बढ़िया उम्मीदवार आपके बीच में देंगे। इसलिए आपका जो स्टेट का नेतृत्व है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का राज है और जो इस भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का राज, जिनमें दिन और रात का फर्क है, लोगों के बीच में जाकर हमने दोनों राज्यों का पैरेलल, दोनों राज्यों को गिनाना है, जिनमें वो भारतीय जनता पार्टी का राज रात है, हुड्डा साहब का राज दिन है। इसलिए हमारा नेतृत्व अच्छा है, हमारी पार्टी अच्छी है, हमारे उम्मीदवार भी बहुत अच्छे हुड्डा साहब देंगे, तो आप लोगों ने लोगों के बीच में जाके सिर्फ प्रचार करना है। थोड़े बहुत दिन में हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा, मोटी मोटी मैनिफेस्टो की बातें तो आपको हुड्डा साहब बता ही देंगे, तो इन बातों को लेकर हमने लोगों के बीच में जाना है। पुण्य आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे सभी के सभी जीन जिला से 3-3 सांसद चुनने का काम किया। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद जी। विधायक जी, मैं अनुरोध करूंगा इसी कड़ी में हमारे चुने हुए सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी आए और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। सतपाल ब्रह्मचारी जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज जिन जिले के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, ऐसे परम सम्मानित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सीएलपी लीडर, भविष्य के मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे कांग्रेस के यशस्वी सरल हृदय के माननीय चौधरी उदय भान जी, समस्त विधायक, पूर्व विधायक, कांग्रेस के नेतागण, सम्मानित बुजुर्गवार, नौजवान साथियों एवं मेरे प्यारे कार्यकर्ताओं,
मातृशक्ति सेवा दल, युवा कांग्रेस के सभी साथियों का मैं यहां पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चुनाव जीतने के बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का और सम्मानित नागरिकों का धन्यवाद करने के लिए जिस तरह से पूरे चुनाव में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी एवं हमारे अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश का नेतृत्व किया, उसी तरह आज सभी जगह, सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में सब जा जा करके आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मेरा केवल इतना कहना, मैं जींद वासियों को, जींद जिले की जनता को, सोनीपत लोकसभा के मतदाताओं को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने ये चुनाव लड़ा और बहुत बहुत संघर्ष का चुनाव था, लेकिन चौधरी साहब ने जिस तरह से 18 मीटिंग सोनीपत हलके में की, सतपाल ब्रह्मचारी के लिए की, कांग्रेस के लिए की, देश के लिए की, हाई कमान के लिए की, मैं आपका तहे दिल से जींद की जनता की ओर से, सोनीपत लोकसभा की ओर से मैं सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। जिस तरह से आपने लोकसभा लड़ी, उसी तरह आपने उससे भी ज्यादा विधानसभा की लड़ाई लड़नी है। मैं आपसे आवेदन करना चाहता हूं, हरियाणा का हाल आपने पिछले 10 वर्षों में देख लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए रात दिन एक कर दो, और निश्चित कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। हम उसके प्रतिभागी बने, और रोजगार नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों अगर रोजगार पाना है तो माननीय चौधरी श्री भूपेंद्र हुड्डा की सरकार को लाना है, कांग्रेस की सरकार को लाना है। मैं हाई कमान को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने हरियाणा में जिस तरह से टिकट बांटे, कोई भी एक व्यक्ति पूरे हरियाणा में ये नहीं कह सकता कि चौधरी साहब ने और उदय भान जी ने कोई टिकट गलत बांट दिए हो। हर व्यक्ति ये कहता है कि इस बार का जो टिकट वितरण हुआ है, सब लोगों को देख करके, सब जातियों को देख करके, सभी धर्मों को देख करके, एक तरह से बिल्कुल पारदर्शी टिकट देने का काम किया है, तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने और उदय भान जी ने हरियाणा में किया है, उसी का फल है 5 सीटें जीतना। और आप जानते हैं औसत के आधार पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं साथियों, या 36 बिरादरी के लोग हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं चौधरी साहब का आपकी तरफ से। हर बिरादरी को अगर कोई व्यक्ति साथ लेके चले, युवा साहब को, जन जन तक जाने वाला कोई नौजवान है, घर बार छोड़ के जो जाने वाला नौजवान है, उसका नाम भाई दीपेंद्र हुड्डा है। मैं कहना चाहता हूं आप पूरे सबके बीच में, आने वाले समय में हमारे चौधरी, हमारे भाई देशवाल जी ने आपके सामने कहा, देशवाल जी एक अच्छे इंसान, धार्मिक इंसान, दानवीर व्यक्ति है जो निरंतर जनता की सेवा में रहता है। यहां पर मेरे कई आदरणीय पूर्व विधायक आए हैं, विधायक आए हैं, मैं उनका भी आपकी ओर से, क्यों एक नाम लूंगा तो मुझे 100 नाम लेने पड़ेंगे, मैं जींद के सभी लीडरशिप को प्रणाम करता हूं। यहां पर अब बात है चुनाव की, भाई आप शांत मत बैठना, अगर ये मौका चूक गए दोबारा शायद आए या ना आए। अगर हरियाणा का कल्याण चाहते हो, रोजगार का, युवा का रोजगार चाहते हो, किसान की सफलता चाहते हो, व्यापारी का हित चाहते हो, गरीब मजदूर का हित चाहते हो, तो कांग्रेस की सरकार बनाना। मैं आपके माध्यम से चौधरी साहब को विश्वास दिलाता हूं, जींद में हमारे यहां लोकसभा सोनीपत में 3 सीटें हैं सर, जुलाना जिसका मैं बहुत आभारी हूं, जींद जिन्होंने पूरा जोर लगाया, और सफीदों और उचाना हमारे जेपी साहब को आना था, आने वाले एमपी साहब, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जींद जिले की सभी सीट कांग्रेस जीतने का काम करेगी आपके सहयोग से। और मैं सर, मेरा गृह जन्म, मैं गांगुली गांव से हूं,
देसवाल साहब के गांव से हूं भाई, विश्वास दिलाना चाहता हूं जो कांग्रेस हाईकमान ने और चौधरी उदय भान जी ने और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने, हमारे हरियाणा के नेता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा कि आपको कभी पछताना ना पड़े। चौधरी साहब, मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि हरियाणा में आपके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और हरियाणा का हित होगा। मैं सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं भाई। धन्यवाद। ये उत्साह बताता है कि बहुत जल्दी 3 महीने के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये हमारा युवा साथी पिंडारा से दीपक पिंडारा जी अपने साथियों के साथ और पूरे युवा शक्ति के साथ यहाँ पर आए हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, ये छोटी जगह थी, हमसे गलती होती है बार बार। आगे बड़े पंडाल में एक रैली की यहाँ करवाऊं भाई, आपके विश्वास में बोलो, जींद के इतिहास में सबसे बड़ी रैली करोगे, पक्की बात। मैं चौधरी साहब से, चौधरी उदय भान जी से, मैं प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा कि जो पहली रैली करें आप, जींद से विधानसभा का बिगुल बजना चाहिए। और भीड़ कितनी होगी भाई, भीड़ कितनी करोगे ये बताओ, इतिहास बदल दोगे जींद का जी, पक्की बात। मैं आपके विश्वास पर चौधरी साहब से और चौधरी उदय भान जी से आग्रह करूंगा, जब विधानसभा का भी गुलाब बजाएं तो इस जींद की धरती से, इस जींद की तीर्थ की धरती से आप ये काम करेंगे तो निश्चित मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके बल पर हरियाणा की सबसे बड़ी अगर रैली होगी तो जींद के मैदान में होगी। मैं अपने शब्दों को धन्यवाद, मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय हमारे चौधरी उदय भान जी से एक प्रार्थना, जब भी आप मीटिंग करेंगे अगर जींद से शुरू करेंगे तो हमारा भी सौभाग्य होगा, कांग्रेस का भी सौभाग्य होगा और देश का भी सौभाग्य होगा। मैं पुनः हाईकमान का और हरियाणा हाईकमान को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः मंगल कामना करता हूं। हम तीर्थ पांडु पिंडारा में रहते हैं सर, रोज प्रार्थना करते हैं कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बने। धन्यवाद, जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद सांसद जी। साथियों, आपसे एक बार सभी साथियों से अपील, एक बार थोड़ा सा साथियों, दीपक भाई, भाई दीपक पिंडारा जी कृपया एक बार शांति का दान दे। आज वैसे तो हमारे मध्य में हमारे कुछ सीनियर लीडर भी आए हैं, आनंद सिंह दांगी जी पहुंचे, हम उनका स्वागत करते हैं। संतलाल जी पूर्व विधायक पहुंचे हैं, हम उनका भी सादर आमंत्रित स्वागत करते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र जी पहुंचे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में हम हमारे जो है यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जी से अपील करूंगा कि वो आए और आई हुई भीड़ को संबोधित करें। चौधरी उदय भान जी, भाई भीड़ को देखते हुए सबको बोलना था, सबसे मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि इतनी भीड़ है, गर्मी का टाइम है और इसलिए शॉर्ट किया है आपके आदेश से। तो मैं चौधरी उदय भान जी से प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह आपने कल सोनीपत में अपना उद्बोधन दिया उसी तरह, उसी हिसाब से जो बातें आपने बताई हैं, जींद की जनता को बताने का कष्ट करेंगे श्रीमान। हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय नेता, जन नेता पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सोनीपत लोकसभा से आपके नव निर्वाचित सांसद, बहुत ही सरल और सज्जन स्वभाव के, बहुत ही धार्मिक
और चरित्रवान नेता आदरणीय पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे सफेदों से विधायक आदरणीय सुभाष देशवाल जी, जींद जिला से हमारे पार्टी के प्रभारी आदरणीय चौधरी आनंद सिंह डांगी जी, हमारे पूर्व विधायक श्री परमिंदर सिंह ढुल जी, पूर्व विधायक आदरणीय सुखबीर फरमाना जी, हमारे नारनौंद से पूर्व विधायक पंडित राम भगत शर्मा जी, और बहुत ही हमारे सम्मानित पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी सूरजभान काजल जी। मैं नाम सबके नहीं ले पाऊंगा, जिसका नाम रह जाएगा वही बुरा मानेगा। मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित पार्टी के सभी नेतागण, हमारे सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, जींद जिले के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, सभी सम्मानित वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी कार्यकर्ता साथियों, बहनों और भाइयों, बहुत संक्षिप्त में, सारा प्रोग्राम हो रहा है गर्मी की वजह से। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा जींद की इस ऐतिहासिक धरती पर जींद के सभी सम्मानित नागरिकों का, सभी साथियों का। ये धरती जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति का दिशा और दशा तय करने वाली धरती है, ये धरती पूरे प्रदेश की राजनीति का बदलाव करने की धरती है, और इस धरती ने जब जिस तरफ करवट ली है, राज उसी का बना है। पहले इस चुनाव में जेजेपी को समर्थन दिया था, इस जींद जिला की सभी सीटों से, और उसका परिणाम यह हुआ था कि जेजेपी के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हालांकि वो लोगों के विश्वास के साथ धोखा था, क्योंकि वोट बीजेपी के खिलाफ दी गई थी, लेकिन लोगों के विश्वास को धोखा देते हुए जब समर्थन बीजेपी को दिया तो लोगों के अंदर बहुत भारी गुस्सा पैदा हुआ। उसी गुस्से का परिणाम है कि इस बार जेजेपी की कहीं भी किसी भी विधानसभा में जमानत नहीं बची। ये इस बात का परिणाम है कि ये धोखे की राजनीति को यह इलाका बर्दाश्त नहीं करता, जलपान की व्यवस्था। और इसी वजह से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका समर्थन, आपका सहयोग कांग्रेस पार्टी को आपकी तरफ से मिला है, और हमारा कैंडिडेट, चाहे वो सोनीपत लोकसभा से आपकी तीन विधानसभा हो, चाहे आपके उचाना चाहे हिसार लोकसभा में पड़ता हो, चाहे आपका नरवाना सिरसा लोकसभा में पड़ता हो, सभी की सभी जगह आप लोगों ने जीत का परचम कांग्रेस का लहराने का काम किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं बस यह आपसे अपील और प्रार्थना निवेदन करूंगा, इस आशीर्वाद को आगे भी बना के रखना है, और जिस तरह से मेहनत इस लोकसभा में की है, 3 महीने बाद चुनाव है, उसी तरह से उस मोमेंटो को, उस टेम्पो को बना के रखना है, और इस विधानसभा से, इस किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, व्यापारी विरोधी, कर्मचारी विरोधी,
सरकार इस भारतीय जनता पार्टी का तंबू उखाड़ करके आप लोगों ने फेंकने का काम करना है। मैं आपके निवेदन करना चाहूंगा, कल हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नीट का जो इम्तिहान हुआ था, सारे हिंदुस्तान में उसका विरोध करने का काम किया था। वो क्या कारण है? नीट का जो रिजल्ट आना था वो 14 जून को आना था और पार्लियामेंट के इलेक्शन का रिजल्ट 4 जून को आना था। तो वो क्या कारण थे कि 4 जून को जिस दिन लोकसभा के चुनावों के रिजल्ट आ रहे थे उसी दिन नीट का रिजल्ट क्यों जारी किया गया? इसलिए कि जो लोकसभा का चुनाव का जो पूरे जितने भी मीडिया चैनल जो उसमें व्यस्त थे, जनता व्यस्त थी, सारे रिजल्ट की तरफ ध्यान दे रहे थे, उस नीट के रिजल्ट की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। वो नीट क्या था? जो इस देश में डॉक्टरों का जो एग्जाम होता है, जो उसको डॉक्टरी की दाखिला दिया जाता है, चाहे वो MBBS के लिए हो, चाहे वो BMS के आयुर्वेद का हो, चाहे वो आयुष का हो, उस नीट के एग्जाम को जो पास करता है उससे जो डॉक्टर के लिए एडमिशन होते हैं वो इस देश के अंदर डॉक्टर बनते हैं। लेकिन पहली बार इस नीट के एग्जाम में जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से 24 लाख बच्चे जो उस नीट के एग्जाम में बैठे थे उनके साथ विश्वासघात किया गया, उनके साथ धोखा देने का काम किया, 67 बच्चों के अंक 720 में से 720 पूरे के पूरे, कभी भी 2 या 3 बच्चे ज्यादा पूरे फुल मार्क्स नहीं लेते, इस बार 67 लोगों ने और 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इस तरह से धांधली की गई इस नीट के एग्जाम में, बिहार के अंदर 30 लाख 35 लाख 32 लाख 40 लाख रुपए में पर्चा बिका, गोधरा में गुजरात में 10 लाख से ऊपर कितने ही लोगों से पैसे वसूले गए। हमारे झज्जर में भी एक सेंटर से 7 इकट्ठे फुल वटा फुल मार्क्स लिए गए थे। अगर डॉक्टर ही इस देश में अगर नकलची या जो डॉक्टर काबिल नहीं है उस टेस्ट को पास करने के, अगर वो डॉक्टर भर्ती होंगे तो इस देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा? आपने फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के डॉक्टरों को मुन्ना भाई MBBS की तर्ज पर दूसरा व्यक्ति जो इम्तिहान दे, जो नकली लोग जो है, जो नाकाबिल लोग जो है, अगर वो डॉक्टर बनेंगे तो इस शिक्षा की व्यवस्था का क्या हाल होगा? इस तरह से इस केंद्र सरकार ने 50 बार पर्चे लीक हुए हैं, 2 करोड़ लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया हमारे नौजवानों के साथ। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो हर मोर्चे पर विफल रही, सिवाय झूठ की इन्होंने राजनीति की। इन्होंने कहा था कि हम MSP की कानूनी गारंटी देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, कोई सर नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो,
हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, बुलेट ट्रेन इस देश में चला देंगे, गंगा और जमुना को हम साफ कर देंगे, डीजल 30 रुपया और पेट्रोल 35 रुपया लीटर दे देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। इन लोगों ने इस देश की जनता को झूठ बोलने का, गुमराह करने का काम किया। भ्रष्टाचार मिटा देंगे, 100 दिन के अंदर काला धन ले आएंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई को कम कर देंगे, हर एक के हिस्सा में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। जब ये सत्ता में आए तो क्या हालत हुई हमारे किसान की, क्या हालत हुई हमारे मजदूर की, किस तरह से हमारी बेटियों का जो जंतर मंतर पर मजबूर होना पड़ा बैठने के लिए, उनको किस तरह से अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। इसलिए इस सरकार को, एमपी साहब है जेपी, अभी हमारे हिसार से नव निर्वाचित सांसद श्री जयप्रकाश जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके जयप्रकाश जी का स्वागत करो, आपके बहुत ही जाने माने पुराने दिग्गज हैं इस इलाके के, आप सब उनको भली भांति जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था, थोड़ा सा शांति से थोड़ी देर बैठ जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है। मैं आपसे कह रहा था कि लोकसभा का चुनाव अब पूरा हो गया है, अब 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, उसके लिए आप लोगों को जहां जिस तरह से आपने मेहनत की लोकसभा के चुनाव में, उससे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी आपको विधानसभा के चुनाव में। ये प्रदेश में राज हासिल करने की लड़ाई है, ये प्रदेश में सत्ता लाने की लड़ाई है, उसके लिए आप सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी, भाई जरा रुक जाओ, अभी जरा बाद में कर लेना, भारतीय जनता पार्टी जब ये चुनावों में आए, भारतीय जनता पार्टी आए तो क्या ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर क्यों है? क्या ये पूछने की जरूरत नहीं है महंगाई में हरियाणा नंबर 1 क्यों है? क्या ये पूछने की जरूरत नहीं है जब इनको सत्ता सौंपी थी हुड्डा साहब ने, तो 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज वो कर्जा 4,51,800 करोड़ पर कर्जा कैसे पहुंच गया? आज कोई बच्चा अपने मां के पेट से जन्म ले रहा है तो वो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के क्यों पैदा हो रहा है? आज आपसे पूछना है इनसे कि इस देश की जो कानून व्यवस्था है वो क्यों ठप होकर के रह गई है? इस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। आज विधायकों को भी इसके शासन में 5-5 विधायकों को फिरौती की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। जिस शहर में जाते हैं उसी शहर में व्यापारियों को फिरौती मांगी जाती हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं। पूरी तरह से कानून व्यवस्था प्रदेश में ठप होकर के रह गई है, पूरा भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार की हालत यह है कि यहां पर चाहे शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, खनन घोटाला हो, इस प्रदेश के बच्चों को जिस तरह से नशे की लत डाल दी, चिट्टा कहां से यहां पर जो सप्लाई होने लगा, पूरी तरह से इस प्रदेश के युवाओं को
जिस तरह से नशे में धकेला गया और जिस तरह से हमारे युवाओं का पलायन हो रहा है विदेशों के अंदर, आज ये सोचने की जरूरत है, आज इनसे पूछने की जरूरत है कि क्या कारण है कि हरियाणा में 33 बार पर्चा क्यों लीक हुए हैं, आज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन को सस्पेंड होना पड़ा, उनके 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा, जो बोलियां लग रही थी, नौकरियों की बोली लग रही थी, सबके रेट चल रहे थे, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अधिकारी को करोड़ों करोड़ों की रिश्वत लेते हुए रगे हाथ पकड़ा गया, आज जिस तरह से खुली नीलामी चल रही थी, नौकरियों की बोलियां लग रही थी, लेकिन नौकरियां नहीं लग रही थी, पेपर लीक हो जाता था, पर्चे आगे बढ़ जाते थे, नौजवान बच्चे जो मेहनत करते थे, कोशिश करते थे, उस पर्चे में पास करने की जो की जगह निकलती थी, चाहे वो सिपाही की निकली हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की निकली हो, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर की निकली हो, चाहे वो क्लर्कों के लिए निकली हो, चाहे वो एडीओ के लिए निकली हो, चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए जगह निकली हो, हर नौकरियों के पर्चे जो है वो लीक होने का काम हुए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के पर्चे लीक हुए, जिस तरह से हर पर्चे से लीक होने का काम किया, हमारे से युवाओं को धोखा देने का काम इस सरकार में हो रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? आज इस बात को हमें मजबूती से हमारे नौजवानों के साथ जो धोखा चल रहा है और उसके ऊपर कौशल विकास रोजगार निगम इन्होंने लगाया, जो सबसे बड़ा धोखा है, उसमें ना कोई मेरिट है, ना पक्की नौकरी है, ना उसमें कोई रिजर्वेशन है किसी भी तरह की, और कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए जो ये कच्ची भर्ती की जा रही है पर्ची और खर्ची, उसके भी एमडी को सस्पेंड होना पड़ा है। पूरी तरह से सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपको ध्यान होगा, हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, 85 किलोमीटर तो मेट्रो की लाइन बिछी, चाहे वो दिल्ली से बदरपुर और बल्लभगढ़ तक हो, चाहे दिल्ली से भादरगढ़ की हो, चाहे दिल्ली से गुड़गांवा हो, 6 नई रेल की लाइन मंजूर हुई, जो रेल की लाइनें मंजूर करवाई, रेल की यहां पर लाइनें बिछाई गई, 18 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां बनाई गई, 16 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। हुड्डा साहब ने जिस तरह से गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट, 200 लीटर की पानी की टंकी और साथ में गरीबों को 22 लाख बच्चों के वजीफा देने का काम किया, आज इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया। बिजली के 4 कारखाने लगाए थे 5400 मेगावाट के, भाई गर्मी भी बहुत है और यह हॉल पड़ गया छोटा, मुझे लगता है एसी काम करने रहे, तो थोड़ा सा आप शांति का दान दे लें, बहुत जल्दी ही बात खत्म होगी। तो मैं कह रहा था कि हुड्डा साहब ने 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए, 5400 मेगावाट के 43,000 करोड़ रुपया खर्च करके, इनको 2000 मेगावाट सरप्लस बिजली दी थी, इन्होंने एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया, एक यूनिट बिजली पैदा नहीं की, और आज भी हालत है गांवों में 15-15, 20-20 घंटे के कट लग रहे हैं, शहरों के अंदर भी 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे के कट लग रहे हैं, बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। और यह सरकार बेशर्मी से कहती है कि हम 100-100 गज के प्लॉट गरीबों को देंगे। मैं कहना चाहूंगा इस सरकार को, पहले तो इनको माफी मांगना चाहिए उन गरीबों से, उन दलित पीड़ित शोषित उपेक्षित सर्वहारा वर्ग के वंचित समाज के पिछड़े समाज के उन लोगों से जिनको प्लॉट दिए जाने की स्कीम हुड्डा साहब ने जो शुरुआत की थी, और हुड्डा साहब ने 7 लाख, यार जो जहां है वो वहीं बैठ जाओ,
7 लाख प्लॉट वो देने थे, 3,92,000 दे चुके थे, इन्होंने आते ही वो प्लॉटों की योजना बंद कर दी। और अब 9.5 साल तक ये कानों में तेल डाल करके सोते रहे। पहले तो इस बात के लिए माफी मांगे कि इन्होंने जो हुड्डा साहब ने जो योजना चलाई थी उसको बंद क्यों किया, और अभी भी कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि हम 100-100 गज के प्लॉट देंगे। ये एक भी प्लॉट नहीं दे रहे, ये वो प्लॉट हैं जो हुड्डा साहब के समय के मंजूर थे, जो उन्होंने रोक दिए थे, उनको देने की बात कर रहे हैं। प्लॉट देंगे तो दोबारा गरीबों को हुड्डा साहब देंगे, और ना 100-100 गज के प्लॉट देंगे बल्कि उस पर 3.5 लाख रुपया खर्च करके 2 कमरे का मकान, लैट्रिन बाथरूम किचन बिजली पानी का कनेक्शन दे करके गरीबों को काम देने का काम करेंगे। आज ये कह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र को हम सही करेंगे, प्रॉपर्टी आईडी की बात करते हैं, उसके लिए भी इनको माफी मांगनी चाहिए। जो परिवार पहचान पत्र, जो परमानेंट परेशानी पत्र जो बन रहा था, हजारों हजारों लोग लाइनों में लगे हुए थे, सारा विपक्ष चिल्ला रहा था, सारे अखबार चिल्ला रहे थे कि इसमें 90 से 95% गलती हैं, लेकिन उस समय इनको गलती नजर नहीं आई। जो सैकड़ों करोड़ रुपए उन एजेंसियों को इन्होंने पैसा दिया हमारे खजाने से, उन एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उनके लाइसेंस रद्द नहीं किए, अब कह रहे हैं कि उनमें कमियां हैं, आज मान रहे हैं, तो पहले उसके लिए माफी मांगो। ये कुछ नहीं करेंगे, आने वाले समय में हुड्डा साहब ही करेंगे। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अब उसमें आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आने वाला समय आपका है, कांग्रेस पार्टी का है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप सबको इकट्ठा होकर के पहले से ज्यादा मजबूती के साथ काम करना है, और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के प्रधान चौधरी उदयभान जी का, और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच में पहुंचे हमारे जींद की शान चौधरी जयप्रकाश जी, मेंबर पार्लियामेंट हिसार लोकसभा, बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत भाई जयप्रकाश जी। हमारे जींद की आन पान शान भाई जयप्रकाश, जिंदाबाद। मैं गुजारिश करूंगा भाई कृष्ण बांबला भिवानी से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चांदी के मुकुट से सम्मान करेंगे। भाई कृष्ण बांबला भिवानी से आए हैं, और मैं गुजारिश करूंगा भाई जयप्रकाश जी से वो आए और जींद की जनता को अपने मुखारबिंद से संबोधित करेंगे। बहुत ही सम्मान के योग, बहुत ही सम्मान के योग हम सबके, और इस प्रदेश के एकमात्र नेता जिनकी एक आवाज के ऊपर हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की नींव रखी गई, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे होनहार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जिन्होंने आदमपुर के बाई इलेक्शन से लेकर के अब तक हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को मजबूती देने का काम किया, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी। अरे भाई रे सुनो रे, एक बार बैठो यार, को बात है, काम की बात बताना है, फिर कहेंगे अपने राज मिलता, राज कौन देगा, बैठो यार, राज की बात बताऊंगा क्यों मिलेगा, और तामने नहीं बताऊंगा, तुम भी बैठो, नहीं बैठते साइड में जाओ, या बैठ जाओ या साइड में चले जाओ, कोई बात को नहीं कर मिला के खड़ी हो, बैठो मेरे, बैठो बैठ जाओ पर सारे, और मैं तम भी थोड़ थोड़े ढीले हो जो इन्हें तो रहने दो, तमने दिखावेंगे ये, अरे ये इन्हें रहने दो, ये तो दिखावेंगे बस, अब ठीक है, अब तुम बैठ जाओ। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं जींद जिला की जनता का, जींद जिला के उन मतदाताओं का जिन्होंने कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में विश्वास व्यक्त करके
तीनों की तीन सीट कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे वो हिसार हो, चाहे वो सरसा हो, तीनों सीट जितवाने में जींद जिले का हाथ है और जींद जिले को आगे बढ़ाने में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ। हम चुनाव लड़ रहे थे साथियों, बड़ी तरह तरह की अफवाहें आई, लेकिन आप लोगों को याद होगा जींद के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शाम के टाइम एक जनमिलन कार्यक्रम था। जनमिलन कार्यक्रम में जब मैंने शहर के लोगों को देखा और हमने देखा कि जब शहर के नर और नारी जिस तरीके से इनका स्वागत करने के लिए आए हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय के लोकसभा का चुनाव पहले था, स्वाभाविक था, सारी सीटें दी। एक चर्चा रहती है पिछले दिनों, बोला जी पहले तो जींद जिला बहुत आपके साथ था, साथ आज भी है और कल भी था, अगर साथ को खराब करने का काम किया, वो हम सब में से एक लोग थे जो एक योजनाबद्ध तरीके से किसी से भ्रमित होकर के या किसी लोभ लालच और स्वार्थ के वशीभूत इस तरह का प्रचार करते रहे कि वे केक राम तो बहुत मेहनत करते हैं, हुड्डा साहब नहीं करता। अगर हुड्डा साहब आप मेहनत ना करते, ना तो जयप्रकाश जीतता, ना ब्रह्मचारी जी जीतता और ना सरसा जीतते। मुझे याद है जनवरी के महीने में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अध्यक्षता में हमने एक रैली की थी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी वहां सही मायने में बहुत कमजोर थी। गांव गांव में हम लोग गए, लोगों ने कहा कि जयप्रकाश यहां कांग्रेस का एक स्थायित्व लीडर चाहिए हमें और हम वोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि परिवार विशेष के लोगों की गलत आदतों की वजह से हम परेशान हैं। तब हमने कहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बढ़िया लीडर तुम्हें कोई मिल नहीं सकता, और उसी का एक नतीजा है कि सरसा में इतना भारी प्रचंड बहुमत मिला। तो मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे बात तो ठीक थी, बोला खुश ना हो, अध्यक्ष जी जिला ऐसा है खुश होंदा होंदा पांच पांच नहीं देगा, ये पड़ोसियों का भी सहारा लावेगा, लावेगा ने 1995 से पहले हरियाणा विकास पार्टी को कोई पूछता नहीं था। हरियाणा विकास पार्टी में जिस दिन जयप्रकाश जगन्नाथ हम लोग शामिल हुए, जींद की धरती से ही हवा मिली और हरियाणा जींद के लोगों ने हरियाणा विकास पार्टी सरकार में लाने का काम किया। आज मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए जितने विकास कार्य करवाए हैं, हरियाणा प्रदेश में सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई, और उस सरकारी यूनिवर्सिटी को रोकने का प्रयास किसने किया वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, विरोध किया, पत्थर लगाने आए हुड्डा साहब, जींद के इन नेताओं ने कहा कि हम नहीं आएंगे। हाँ सॉरी, सोनीपत रोड तक सोनीपत जींद रेलवे लाइन को चलवाने का काम, बनाने का काम किस व्यक्ति ने किया भाई? हुड्डा साहब ने। एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम किन्होंने किया? कुछ भाई हमसे नाराज हो गए। जब बाईपास की बात आती थी, मैं दो मिनट लूंगा हुड्डा साहब ये बात बताऊंगा, बाईपास की बात आती थी, दूसरी पार्टियों में इनकी जड़ें थी, पानी वहां से डलता था, और सत्यानाश चीन जिले का इन लोगों ने किया। ये जो बाईपास की चर्चा थी, मैं एमपी था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाईपास की जमीन इक्वायर करने के लिए पहली बार जिला परिषद की ग्रांट से 8.5 करोड़ रुपए दिलवाने का काम किया था, लेकिन मंत्री हुड्डा साहब ने बनाए दिए। फाइल जावर उल्टी आ जाए, फाइल जावर उल्टी आ जाए। मैंने एक दिन कहा हुड्डा साहब यू सीधा काम आप देख लो, ये आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है,
जींद इलाके की सरजमीं पर पैदा हुए, जिनको हुड्डा साहब ने ताकत दी, उन्हीं लोगों ने इनके साथ योजनाबद्ध तरीके से पड़ोसियों से बात करके कमजोर करने का काम किया। आज उनसे पीछा छूट गया, इनके हुड्डा साहब सारी सीट आपकी आएंगी, किसी और की नहीं आएगी, ये लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। और भाई एक बात ध्यान कर लियो, मन ने तो टिकट मिलनी नहीं थी और बात ब्रह्मचारी जी की भी नहीं बननी थी, मारी तो होगी थी छुट्टी, बड़ा बड़ा सामना आ गया, लेकिन एक बात जरूर थी। मैं धन्यवाद करता हूं हमारी कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड का, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे साहब का, जिन्होंने उदय भानजी चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह के एक आवाज को सुना और हुड्डा साहब की रिकमेंडेशन को मानना कि जी मेरिट पे टिकट दो। जब मेरिट का नाम आया तो फिर हमने सोचा मैं ही महाराज जुगाड़ बनेगा, स्वामी जी बोले मैं तो और द्वार जाऊं, मैं केक रगार द्वार उल्टा है जी, बात बना ली। आज जयप्रकाश को टिकट, आज ब्रह्मचारी जी को टिकट, और सबसे बढ़िया टिकट थी राव दान सिंह को। राव दान सिंह ना होते, थोड़ी सी गलती हुड्डा साहब कर देते तो बीजेपी 5 लाख से जीतती, 5 लाख से 40,000 पर लाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। राजबब्बर जी को टिकट नहीं मिलती, एक पहली बार आजाद हरियाणा बनने के बाद बैकवर्ड क्लासेस के ए वर्ग को किसी व्यक्ति ने टिकट दिलवाया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। एक दिन उदय भान जी कहने लगे कि जयप्रकाश जी हुड्डा साहब तो बहुत लड़ रहे हैं, मां गला गला अभी जाफी पर लेकर दोनों है पास काम चल पड़ेगा, और फिर रेडर बहुत अच्छा हमारा पे दीपेंद्र चल गया कि नहीं भाई। अब इस तरह का दुष्प्रचार क्यों किया जा रहा है कुछ लोगों के माध्यम से कि वो हुंदा जो इतने तो जीत जाए, अरे भाई जे वो हुंदा पाछे में थे नहीं, बयानी में तो पाछे थे, हार के क्यों आए 5-5 लाख से। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, उचाना विधानसभा क्षेत्र इस इलाके का पड़ता है अपने जींद जिला, और मुझे तो सारी ताकत जींद ने दी है भाई, 89 में भी न्यू कहा करते हैं जो ही तो दूसरी पार्टी में था मैं ठीक हो रहा हूं। बटे नहीं बोले मारा मुकाबला ऐसा है जैसा रेल का इंजन रिक्शा का, मैंने रिक्शा गया कर दे, और मैंने यह बात की थी माए जींद की धरती है, घमंडियों का घमंड तोड़ने का काम हमेशा ही जींद की जनता ने किया, और जींद की जनता ने घमंडियों को हरा जयप्रकाश को जिताया, और 35 वर्ष के बाद बलराम गल्ले राड़ मार 35 साल के बाद फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आह्वान पर जयप्रकाश को उचाना की जनता ने इतना भारी प्रचंड बहुमत से जिताया, सब ताकतों के विरोध के बाद भी। मैं तो एक ही बात कहूंगा भाई, रणजीत सिंह का एक भाषण सुन लियो, जो उस भाषण में सच्चाई लग गए तो फिर चोर पकड़ लियो कौन है जींद का। तो भाई मेरे तो सुचा सुचा ऊंग आंग लागी थी, बेचारा बूढ़ा हो रहा था 80 साल का। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, और हुड्डा साहब से निवेदन करूंगा अंत में, उदय भान जी से निवेदन करूंगा कि जी जैसे आपने लोकसभा की टिकटें बांटी हैं ऐसे ही जींद जिले की बांट दियो मैरिट पे। यही चाहो भाई, हाथ खड़े करो सारे भाई, अरे मीडिया वाले फोटो खींचो, सब जनता मैरिट पे चाहती है, ठीक है, मैरिट 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 पे होगी। अब हम निवेदन करूंगा हुड्डा साहब से, रुदे बांधी से, देख लो देख जी आपने हमारी रिपोर्ट हाईकमांड को देनी है जी, अरे सारी सारी आहो। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप लोगों का, हुड्डा साहब का जो प्यार प्रेम था
है और रहेगा। इसका यूं दिखा दो, हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से भी जींद के लोगों ने हुडा साहब का जो झंडा लेकर के आए उसको जिता देना, मौज हो जाएगी यारो, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जयप्रकाश जी, एक बार जोरदार तालियों से फिर भाई जयप्रकाश जी का स्वागत। और मैं गुजारिश कर कृष्ण बामला जी भिवानी से ताज द्वारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करते हुए, भाई कृष्ण बामला जी एक बार फिर पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी की ओर से आए हुए जिला जींद के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेता गणों का, सभी अतिथि गणों का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी उदयभान जी का, भाई जयप्रकाश जी का और सभी विधायक गणों का, पूर्व विधायक गणों का, पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और सभी जींद वासियों का तह दिल से धन्यवाद किया जाता है जिन्होंने इतना अपार समर्थन, इतना अपार सहयोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में विश्वास जताया। और आने वाली विधानसभा में भी आप इसी पार कांग्रेस पार्टी को 80 पार करने का काम करेंगे। पुनः एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए बाहर जलपान की व्यवस्था है। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोलेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी उदय भान जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। मैं आग्रह करूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। और जींद की खुशहाली के लिए सरकार आने पर जींद को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चौधरी साहब से मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए आपसे चाहता हूं कि जींद की जनता का धन्यवाद करें सर। जोरदार तालियां। अजय भाई एक बात सुनो, एक बात सुनो, मैं इतना बोलू ना नारे मत लाइयो, ध्यान से सुनो बात। तो बहुत गर्मी है, बहुत देर से बैठे हो, हम भी यहां बैठे हैं, ध्यान से बात सुनो और नारे नूरे मत बीच मत लाइयो। आज जींद जिला के कार्यकर्ता सम्मेलन में की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, और यहीं से नवनिर्वाचित जो हमारे सांसद हैं ब्रह्मचारी जी, और हिसार से जो है नवनिर्वाचित सांसद, वो तो पुराना आदमी है फिर सांसद बना है, भाई जयप्रकाश जी, पूर्व विधायक यहाँ के इंचार्ज पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी जी, भाई पूर्व विधायक परमिंदर जी, काजल साहब व सभी हमारे सेवा दल है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, आप बहुत देर से बैठे हो, मैं प्रयास करूंगा कम से कम समय लूं, क्योंकि ये यहाँ मैं आया तो मेरे को महसूस हुआ कि जगह बहुत छोटी है भाई जींद के लिए। जींद में जलसा हो, कार्यकर्ता सम्मेलन हो, और इतनी छोटी जगह, भाई ये तो एक बड़ा बहुत बड़ा जलसा करना पड़ेगा मेरे को। क्रांति के जो क्रांति, आपको याद है ना क्रांति रैली करी थी मैंने, रैली करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं बोलो मत भी, क्योंकि जींद अकेला जिला है हरियाणा में जिस जिले के तीन तीन एमपी भाई, एक हमारे नरवाना पड़ा है सिरसा में, वहां से बहन शैलजा भाई, उचाना पड़ा है हिसार में भाई जयप्रकाश, और ये तीन हल्के पड़ा भाई हमारे सोनीपत में, यहाँ से ब्रह्मचारी जी, तीन एमपी है और किसे जिले के, फिर इतनी छोटी जगह क्यों भाई बड़ी बड़ी रैली कराएंगे। तो मैं सबसे पहले तो भाई पूरे जिले के सभी साथियों का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके तीनों जगह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के जिताने का काम किया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और मुबारकबाद देता हूं।
और ये जो आपने नतीजा ले गए ना आप, ये सोच लियो यो कुछ ना कुछ रंग लेकर होगा, ऐसे नहीं जाएगा भाई। बहुत अच्छा नतीजा दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बातें तफसील में भाई ब्रह्मचारी जी ने भी बता दी, हमारे अध्यक्ष जी ने भी बता दी, भाई जयप्रकाश ने भी बता दी, और बताऊं ना बताऊं आप सबको मालूम कि भाई जो है एक मोर्चा तो जीत लिया तुमने, लेकिन असली मोर्चा 3 महीने के बाद है, उसकी तैयारी करो। करो था।